किस सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारी मुआशी सूरत हाल को देख लें तो मुल्क कंगाल हो चुका है, हमारे इदारे मफलूज हो चुके हैं, आज़ादी राय इजहार बिल्कुल नहीं है, मुल्क में एक अफरा तफरी की कैफियत पैदा की जा रही है। मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी जमात, वाहिद जमात जो कि चारों सूबों में नुमाइंदगी करती है, उसकी लीडर को हरासा किया जा रहा है। और ऐसे माहौल में जिसमें कि रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह के सलमान सफदर साहब ने कहा केसेस बनाए जा रहे हैं, और ये केसेस करप्शन के केसेस नहीं हैं, ये केसेस झूठ पे मबनी कि आपने उधर ये बात कह दी, आप इधर थे, आप उधर थे, इस किस्म की फजूल किस्म की वजूहात पे ये केसेस बना रहे हैं। बलूचिस्तान से एक केस दायर कर दिया कि जी उधर किसी को तकलीफ़ पहुंची है, किसी शहरी को। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि 78 से ज़्यादा मुकदमात किए जा रहे हैं, बुनियादी मकसद जो अवाम को इस वक्त पहुंच रही है तकलीफ महंगाई की, इस वक्त इन्होंने सारे मीडिया को और सारे पाकिस्तानियों की तवज्जो एक दूसरी तरफ करने की नाकाम कोशिश की है, जिससे कि उनकी नाअहली, उनकी बेहिसी, उनकी बदनीयती सामने ना आ सके और ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कि लोग ये भूल जाएं ये कि उनकी बात करने वाला कोई ना हो। कल हमने देखा जो दहशतगर्दी हुई जिस पे कि कंसर्न लोगों के खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे कि बिलाल अली बिलाल शहादत है उसकी जिम्मेदार ये जो कठपुतली पंजाब हुकूमत है उसके जिम्मेदार ये हैं, उसके जिम्मेदार ये जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है केयर टेकर ये हैं। एक पुरमन जमात, एक पुरनम रैली जिसका इनकाद होना था, जिसमें के इलेक्शन का कैंपेन हमने शुरू करना था, क्योंकि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है तो उसमें तो या तो फिर बताएं कि जी जमहूरियत नहीं है, ये एक सिविलियन मार्शल लॉ है, तो हम अपनी सियासी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ये कैसा दौर है जिसमें के एक जमहूरियत या बराए नाम जमहूरियत, एक बराए नाम पार्लियामेंट जिसका मैं बदकिस्मती से मेंबर हूं, ऐसे सूरत हाल में आप एक मुल्क को एनआरकी की तरफ ले जा रहे हैं। आप मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पे बैंकरप्ट हो चुका है, ये नहीं है कि होने वाला है या तकरीबन नहज पे है, नहीं, हो चुका है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं जो फैसला साजी कर रहे हैं, इनके जहन भी कंगाल हो चुके हैं, ये जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। ये जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिसमें कि आए दिन मुख्तलिफ मुकदमात बनाना, मुख्तलिफ क्रिमिनल लॉ का वकील साहब बैरिस्टर साहब बताएंगे कि क्रिमिनल लॉ का जिस तरीके से तमस्खर उड़ाया गया है, जिस तरह से धज्जियां बिखेर दी गई हैं, हमने कभी नहीं देखा कानूनी तारीख में कि इस किस्म के केसेस बने, इस किस्म के उन पर दफात लगाई जाएं। गद्दारी आजकल आम बिक रही है और दहशतगर्दी, ये दो चीज़ें हैं जो के मुफ्त में बांटी जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर, पाकिस्तान इंसाफ की लीडरशिप पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पे। देखें, इमरान खान इस मुल्क की मुस्तकबिल की एक किरण है, आप उसको नहीं बुझा सकते। अगर आपने बुझाया तो ये आप समझें कि आप ये कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तारीख कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा है, हम ये गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, ये मुल्क मुतहमल नहीं हो सकता इसका। इसलिए मेरी यही दरख्वास्त है पाकिस्तानी आवाम से कि वो सब कुछ देख रहे हैं, उनको मालूम है कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। इमरान खान को गिरफ्तार करने या इमरान खान को कोई जिद पहुंचाने के लिए, ये इस मुल्क के मफाद में नहीं होगा। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें, जाती इना
ذاتی دشمنیاں نہ کریں, یہ ملک کا سوال ہے, یہ صرف عمران خان کا نہیں ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا. عمران خان اگر جنگ لڑ رہا ہے تو وہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے, ورنہ اس کے لیے تو سب کچھ ہے. لیکن اس نے اپنی وقف کر دی ہے زندگی پاکستان کے عوام کی بہتری اور اس ملک کو ایک خود مختار, ایک باوقار, ایک پرائیڈ والا ملک شہری بنانے کے لیے ان کی جستجو ہے, جس کو کہ ہم حقیقی آزادی کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک میں یہ جو شر پسند عناصر ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, جو اقتدار میں ہیں, کہ یہ اس ملک کو تباہی کی طرف جو کہ لے گئے ہیں, مزید تباہی کی طرف لے جائیں اور ایک پرامن شفاف الیکشنز کا انعقاد کریں. جو پشاور میں بیٹھا ہوا ہے وہ جو فضل الرحمان کا سمدھی, اس کو بھی شرم آنی چاہیے, وہ آئین کی آرٹیکل 6 کی زد میں آ رہا ہے, اس نے آج ختم ہو گیا ہے اور ہم ان پہ فائل کر رہے ہیں آرٹیکل 6, کیونکہ وہ آئین کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, آئین کو سرکمونٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگ جو بٹھا دیے گئے ہیں, یہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, یہ اس مہنگائی کے ذمہ دار ہیں, یہ اس دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں, اور یہ